अस्सलाम वालेकुम जी, कुक विद जूनी के साथ हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। कैसे हैं मेरे सारे व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे हम पिज़्ज़ा सॉस कैसे बना सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बनाने की एक बहुत अच्छी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून हमें चाहिए ऑयल। एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है अच्छे तरीके से। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है इसको मैं चॉपर में किया था, बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं था किया, चॉपर में किया था। लेकिन चॉपर में भी इसकी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट पेस्ट बनती है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर है 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट, गार्लिक, ये तकरीबन हाफ गार्लिक, जो होल गार्लिक होता है उसमें से मैंने हाफ गार्लिक लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। उसके बाद मुझे चाहिए होगा 1/2 टीस्पून ओरिगानो, 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए होंगे इसके टमाटो केचप के, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको मैं इसको बनाएंगे। रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो 2 टेबल स्पून आपको ऑयल के दिखाए थे वो मैंने फ्राई पैन में डाले हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो ऑयल, उसमें हमारा सबसे पहले जाएगा प्याज, प्याज और लहसुन को हम लोगों ने जो है कलर में ब्राउन नहीं करना, हमें सिर्फ उसका पानी जो है वो ही ड्राई करना है। ये देखिए अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये भी हम लोग सिर्फ उतनी देर इसको भी पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई होगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटरों का भी जो है वो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटो केचप, साथ ही इसमें हमारी जाएगी टमाटो पेस्ट, साथ ही अब इसमें हमारी जाएगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और बाकी जो हमारे पास में ओरिगानो था इसको डाल के तकरीबन हम इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट, और ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो देखिए ऑलमोस्ट हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। इसको सिर्फ मैंने 3 मिनट ही कुक किया है तो वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ठीक है, इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया क्योंकि इसमें टमाटो केचप थी और टमाटो पेस्ट थी, इसमें ऑलरेडी थोड़ा सॉल्ट होता है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि अभी इसके ऊपर जो हमारी टॉपिंग होगी उसमें भी सॉल्ट होगा, इसलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट कर। जी आप देख सकते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि पिज़्ज़े में आपने इसको यूज़ कैसे करना है। थैंक यू।